हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक आता हूँ, बहुत दिन के बाद मैं मरीन टैंक के ऊपर फिर जो मरीन स्टोर होता है उसके ऊपर विजिट कर रहा हूँ। जैसा कि हमने पिछली बार विजिट किया था मरीन एक्वानेस्ट के ऊपर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। हमारे साथ दीपांजलि बनर्जी भी हैं, दो स्टोर ओनर हैं। तो बहुत दिन के बाद फिर मैं दोबारा कवर कर रहा हूँ फिशेज़ के ऊपर। आज देखते हैं कौन कौन से स्टॉक है यहाँ पर और कितना प्राइस है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अब मरीन फिशेज़ के ऊपर जो फिशेज का टैंक के ऊपर बहुत कम बनाते हो तो उसके ऊपर कवर कीजिए। तो आज यहाँ पर आया हूँ मैं कवर करने के लिए। तो हमारे साथ दीपांजलि सर। हाय सर, वेलकम बैक। सर कैसे हो? सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। और आपका मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि सर आप लोग वीडियो पसंद किया, थैंक यू सो मच। और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को और जानकारी दें इस मरीन चीज़ के लिए। और सबसे बड़ा बात है, हम बहुत दिन के बाद सैयद सर आए हैं मेरा दुकान पे, तो हार्दिक मैं वेलकम करता हूँ सर को। चलिए देखते हैं क्या क्या फिशेस है अभी। तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सर स्कोपस टैंक बोलते हैं इसको। स्कोपस टैंक तो बहुत ही यूनिक होते हैं मरीन फिशेस कंपेयर टू नॉर्मल जो एक्वेरियम फिशेस होते हैं। तो नेक्स्ट टेबल ये कौन सी है सर? सर येलो मिमिक टैंक बोलते हैं। हाँ येलो मिमिक टैंक, ये येलो टैंक इसी को बोलते हैं क्या? सर नहीं सर, येलो टैंक में जो आप लोग जो देखते हो जो फोटो में जो दिखाता है वो है हवाईयन येलो टैंक, ये येलो मिमिक टैंक है सर। इसका प्राइस थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पर एक यूनिक फिश है, बहुत ही खूबसूरत देखने के लिए अट्रैक्टिव है। सर ये कौन से है? सर इसको बोलते हैं गोल्ड स्ट्राइप शो फिश। गोल्ड स्ट्राइप शो फिश, शोप ऐसे ही शो फिश। ये बहुत ही रेयर वैरायटीज में आता है और ये कार्निवोरस फिश है। आप जब भी डालने का सोचोगे ये फिश तो संभाल के, छोटा मछली को एक खा जाता है। तो थोड़ा असली अलग अग्रेसिव होती है क्या ये? थोड़ा एग्रेसिव है बट इट्स वेरी रेयर टू गेट। तो ये वाली बहुत फेमस है, देखने होंगे लोग, बहुत सारे लोग इसको पसंद है रखने के लिए। फायर कुछ नाम होता है ना इसका? फायर को ये बिगिनर्स के लिए सही है क्या? ये बिगिनर्स फिश है और प्राइस भी थोड़ा लगभग कम ही रहता है ना इसका? कम ही रहता है ये, अगर ये इंपोर्टेड में आता है, इंडियन ओशन में ये फिश मिलता नहीं है। हाँ इधर और एक फिश है, ये आपका डिजाइनर क्लाउन बोलते हैं इसको, बहुत सारा आदमी पसंद करता है। स्टार्टर फिश है। हाँ डिजाइनर क्लॉन, डिजाइनर क्लॉन। और दोनों सेम है क्या? डिजाइनर क्लॉन दोनों सेम है सर, इसका पैटर्न जो है वो अलग अलग पैटर्न में आता है। हाँ ये पेयर है या दोनों अलग अलग? सर ऐसे है, हम लोग नहीं बोल सकते कि क्लाउन में पेयर है कि नहीं है, बिकॉज ऑल द क्लाउन्स जो होता है मेल ही होता है, बाद में ये लोग ट्रांसफॉर्म करके फीमेल होते हैं। हाँ हाँ सही है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है कोरल ब्यूटी है ना? एक कोरल ब्यूटी एंजल बोलते हैं इसको, बहुत ही फेमस फिश है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और ब्लू कलर का शाइन, ये जो थोड़ा लाइट है जो ब्राइटनेस थोड़ा लग रहा है जैसा ग्लो हो जैसा, ग्लो के जैसा। ब्लू थोड़ा ग्लो ज़्यादा करता है। इधर फिश शॉप में आपका एग्जैक्ट कलर पता नहीं चलता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। अच्छा सेटल हो जाता है घर पे जाके, जब सेटल हो जाता है उसका नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है तो और अच्छा, तो कलर, और अच्छा कलर इसका निकलता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर थोड़े एनिमल्स हैं और स्नेल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पर स्टार फिश भी है। तो स्टार फिश में सर बहुत सारे वैरायटीज आते होंगे ना? ये बहुत सारा वैरायटीज आता है स्टार फिश में। ये जो आप स्टार फिश देख रहे हो इसको आप लोग कॉमन स्टार फिश बोलते हैं, ये लोकल स्टार फिश है, इंडियन ओशन का है। देखिए स्टार फिश हैं दो तीन टाइप्स के हैं यहाँ पर। और ये कौन सा एनिमल है सर? ये बहुत ही रेयर है, ये रेड कार्पेट एनिमल है। ये रेड कार्पेट एनिमल कलर आपका फ्लोरोसेंट कलर में होता है, जब आप ब्लू लाइट जलाते हो तो उसका कलर पूरा रेड आ जाता है।
और ये वाला, ये आपका लॉन्ग टेंटकल्स एनीमोन है, मेटालिक ग्रीन लॉन्ग टेंटकल्स एनीमोन। और ये कैरेट एनीमोन पर्पल टिप। अच्छा, एनीमोन भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्या आउट ऑफ कर्नाटक या कहीं? सर, एनीमोन फिश दोनों हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, मगर मैं बोलना चाहता हूँ कि मिनिमम आउटसाइड कर्नाटक आपको अगर चाहिए तो मिनिमम एक बॉक्स परचेस करना पड़ेगा। ये फ्लेम स्कैलप बोलते हैं इसको, ये फिल्टर फीडर होता है, ये स्कैलप है, फ्लेम स्कैलप बोलते हैं इसको। और यहाँ पर स्नेल्स हैं, स्नेल्स है ना सर? ये टर्बो स्नेल्स है। हाँ, टर्बो स्नेल्स। और ये साथ में जो है सर, ये क्लियर क्लीनर श्रिंप बोलते हैं इसको हम लोग। ये फ्रेश वाटर की या सॉल्ट वाटर की? ऑल आर सॉल्ट वाटर सर, मैं फ्रेश वाटर में डील नहीं करता हूँ। तो ये क्लीन कर रही है क्या इसको? शायद ऐसा ही सर, ये पैरासाइट खाता है, फिश का जो पैरासाइट होता है ये पैरासाइट होता है, ये क्लीनर श्रिंप बोला जाता है इसको। अच्छा, क्लियर क्लीनर श्रिंप। ये भी सेल के लिए या आप टैंक के लिए रखे हैं? ये टैंक के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर आप सोच समझ के डालिएगा जब ये डालिएगा। कोई भी कार्निवोरस फिश रहेगा तो उसका इमीडिएट वो खा जाएगा इसको, इसने श्रिम्प को खा जाएगा, श्रिम्प को खा जाएगा। और यहाँ पर एक है, ये है रेनबो बबल टिप, सुपर रेड बबल टिप एनिमल। ये भी थोड़ा रेयर वेराइटीज में आता है। ये कलर आपको उतना अच्छा से नहीं दिखने को मिलेगा क्योंकि आप लोग वीडियो कर रहे हैं तो ज़्यादा लाइट चाहिए, तो इसके लिए हम लोग व्हाइट लाइट जला के रखे हैं। ब्लू लाइट में इसका कलर बहुत ही सुंदर आता है दिखने में। और ये श्रिम्स सर, इसको कैमल श्रिम्प बोलते हैं, कैमल टेप, कैमल श्रिम्प। ये भी कुछ क्लीनिंग के काम करती है क्या? सर, ये स्कैवेंजर्स है, ये आप टैंक में रख सकते हो, जो एक्सेसिव फूड होता है ये लोग वो लोग खा के क्लीन करते हैं। हनीडन फूड जो होता है, सिंह बोरी जो नीचे पड़ता जाके उसको खा लेते हैं, उसको खा लेते हैं। तो स्टारफिश भी यहाँ पर अवेलेबल है, अगर बैंगलोर में कोई है तो आकर विजिट करके खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टारफिश के शौकीन होते हैं और बहुत रेयर अवेलेबल होता है, बहुत कम लोग जगह मिलता है। तो बैंगलोर में अगर है तो यहाँ पर आकर ले सकते हैं आप, देख सकते हैं यूनिक टेप है। ये दोनों सेम है क्या, ये वाली दोनों और सेम है? तो नेक्स्ट ब्लू कलर का भी एनीमल है, ये कौन सा है सर? सर, ये ग्रीन बबल टिप बोलते हैं। अच्छा, ग्रीन है, बहुत क्रेज है मरीन वर्ल्ड में, इसका बहुत क्रेज है। और क्लाउन फिश होस्टिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, क्लाउन फिश इसके साथ रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो क्लाउन एनीमोन भी है, स्टारफिश भी है, बहुत सारी वैरायटी की फिशेज भी हैं और प्री ऑर्डर पे भी आपको मिलते हैं। अगर यहाँ पर जो स्टॉक नहीं आपको चाहिए तो वो ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं, थोड़ा टाइम लेके मंगा के दे देंगे। बैंगलोर में जो भी अब मरीन एक्वेरियम की जो एक्सेसरीज है या फिशेज है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर है, ये कौन सी है सर? सर, ब्लू ट्रूथ ट्रिगर बोलते हैं इसको, ये भी एक कार्निवोर ऑफ फिश है। ये पेयर में रख सकते हैं क्या इसको? ये सर, पेयर में आप रख सकते हो, मगर मैं कस्टमर को रिकमेंड करूंगा अगर एक टैंक में एक ही रखिए, बायलोड ज़्यादा ना दे। तो यहाँ पर भी एक टेप की स्टारफिश है ना, ये भी सर, ये भी स्टारफिश है, लिंकिया स्टारफिश बोलते हैं इसको। तो आप अगर लेना चाहते हैं, प्राइस ओपन नहीं करें हम लोग, अगर प्राइस जानना चाहते हैं तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, वैसे में कोई आपको इमीडिएटली रिस्पांस मिल जाएगा कॉल करने से। ये देखिए कितनी खूबसूरत है और बहुत ही ऑसम लग रही है। और ये वाला सर, ये ब्लू स्पॉटेड ग्रुपर बोलते हैं, ये भी एक कार्निवोर फिश है। ब्लू कलर है क्या? ब्लू स्पॉटेड, ब्लू स्पॉटेड ग्रुपर, रेड के ऊपर ब्लू टेप, रेड के ऊपर ब्लू स्पॉट रहता है। और यहाँ पर भी ये कौन सी है सर? सर, ये डॉक्टर रॉस बोलते हैं, रॉसिस वैरायटीज में आता है। ये तो कॉमन है ना मरीन सर? ये बहुत कॉमन फिश है, मगर ये आपका पैरासाइट क्लीन करता है, तो
ये टैंक में रखना जरूरी है। अच्छा अच्छा हो, इसलिए इसको डॉक्टर के नाम से ज्यादा है, डॉक्टर रसर। या डॉक्टर रसर तो क्लीन करता है और हेल्प करता है। हाँ, फिशेस को इसको पैर में रख सकते हैं टैंक के अंदर, पैर में रख सकते हो, टैंक का साइज के ऊपर डिपेंड करता है। और क्लाउन फिशेस के साथ रख सकते हैं इसको सर? क्लाउन फिशेस के साथ, कोई भी फिशेस के साथ ये कंफर्टेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं पूछ रहे हैं क्लाउन फिशेस के टैंक में कौन से हैं, इसलिए मैं ये भी थोड़ा कवर कर रहा हूँ साथ साथ में। और ये भी रासर टाइप ही है ना कोई? ये क्वीन कोरेस रॉस बोलते हैं इसको, ये एडल्ट साइज है, इसका जुबिनाइल भी आता है, एडल्ट भी आता है, तो ये अभी एडल्ट हो गया है, इसका कलर पैटर्न चेंज हो गया है। अच्छा, बड़ा होने से थोड़ा कलर कम हो जाता है, चेंज हो जाता है, छोटे रहते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, छोटे रहने से ये रेड कलरेशन में आता है। अच्छा, टैंक में ये ब्रीड कर सकते हैं कि सर मरीन फिशेस? सर टैंक में ब्रीड करना इम्पॉसिबल है। हाँ। कुछ फिशेस टैंक में ब्रीड होता है, वो भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में क्लाउन्स ब्रीड होता है, तो उसके लिए अलग से टैंक बना के आपको डेडिकेशन में क्लाउन आप ब्रीड कर सकते हो। और फिलहाल आपका बाहर में, इंडिया में तो नहीं होता है, बाहर में कोरल ब्यूटी भी ब्रीड होता है, कार्डिनल्स भी ब्रीड होता है, मगर इंडियन एनवायरनमेंट या इंडियन के लिए अभी ब्रीडिंग थोड़ा मुश्किल है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है सर, ये रेड एंथियस बोलते हैं या पिंक एंथियस बोलते हैं, ये भी रिफ सेफ होता है, ये भी आप डाल सकते हो कोई भी फिश के साथ, बहुत काम फिश है रेड एंथियस। रेड एंथियस और ये भी एंजल है ना कोई? सर, स्मोक एंजल। हाँ, स्मोक एंजल, स्मोक एंजल, ये भी कॉमन है ना? ये भी कॉमन है, कॉमन फिश है। मिनिमम कितना साइज चाहिए इसको अगर टैंक में रखना चाहते, कितनी सर फीट की? सर मिनिमम 2 फीट बाई 1.5 फीट टैंक चाहिए इसको रखने के लिए। पैर में रख सकते हैं ना? नहीं, सिंगल रखिए, पैर में रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरिंग में मैं कस्टमर को रिकमेंड नहीं करता हूँ पैर में रखने के लिए, बायोलोड बढ़ जाता है और कुछ नहीं। सर ये कौन सा है? सर थ्री स्पॉट डैमशेल है, ये डैमशेल वेराइटीज में आता है, थ्री स्पॉटेड है, इसलिए इसको थ्री स्पॉट बोला जाता है। फिश है ये, इंडियन ओशन का फिश है, आपको मिल जाता है ये। ये थोड़ा एग्रेसिव है, दूसरा डैमशेल फिश है, मतलब ये स्टार्टर फिश नहीं है ये? सर ये स्टार्टर फिश है, अगर थोड़ा सा बड़ा एक्वेरियम है तो ये अच्छा होता है, छोटा एक्वेरियम में ये ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ये बटरफ्लाई है, ये शेवरन बटरफ्लाई बोलते हैं इसको, बहुत खूबसूरत दिखने में है। ये मेरे पास जितना भी बटरफ्लाईज है सब फीडिंग कंडीशन में है, इसका पैटर्न बहुत ही अलग है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, पैटर्न बहुत यूनिक है इसका, और जो साथ में वो भी सेम है या अलग है? ये सर 8 बैंड बटरफ्लाई है। कौन सा? 8 बैंड? 8 बैंड बटरफ्लाई। अच्छा, लाइन्स जो होते हैं बैंड के हिसाब से? बैंड के हिसाब से है। 8 बैंड सब, जितना भी फिशेस है इधर, ये मैं अभी फीडिंग दिया हूँ। जितना भी बटरफ्लाई फिशेस है वो पूरा मेरा फीडिंग कंडीशन में है, क्योंकि बटरफ्लाई फिश थोड़ा फिनिकी होता है, कस्टमर के पास जाके ये खाना बंद कर देता है। अभी यहाँ पर तो ये खा रही है। और ये वाली, ये भी सेम है ना जो? ये भी सेम है, बटरफ्लाई फिश को खाना खिलाना एक चैलेंज हो जाता है कभी। अच्छा, इतना ऑब्वियस टफ काम है क्या? क्योंकि बटरफ्लाई फिश देखने में बहुत ही सुंदर होता है, मगर टैंक में ज़्यादा दिन रख नहीं पाता है कस्टमर, क्योंकि वो फीडिंग नहीं लेता है। तो हम लोग इसको फीडिंग करा के सेल करते हैं। ऑल द बटरफ्लाई फिशेज हियर, दे आर फीडिंग कंडीशन। तो देख सकते हैं वीडियो में ये आराम से खा रही है यहाँ पर। तो ज़्यादा देखिए प्राइस में ओपन नहीं कर रहा हूँ, शायद आपको थोड़ा यूनिक अलग लग रहा है, क्योंकि मैं प्राइस ओपन नहीं करें हम लोग। आप अगर आपको चाहिए तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, वैसे भी आजकल कॉल बहुत फ्री है जियो आने के बाद। ये वाला कौन सा है सर? सर कोरन एंजल जुबिनाइल है ये। हाँ। ये बहुत ही सुंदर कलर है, जुबिनाइल साइज में, बड़ा जब हो जाएगा ये पूरा ब्लैक कलरेशन में हो जाता है। तो मैं भी इधर खाना डाल के थोड़ा दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इधर भी बटरफ्लाई फिश है, मैं खास करके बटरफ्लाई फिश को दिखाने के लिए मैं खाना डाल रहा हूँ। ये आराम से खा रही है यहाँ पर, दूसरा फिशेस को ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दूसरा फिशेस ऑटोमेटिक
खाना खा लेता है, फिश बहुत अच्छा से खाना खा लेता है। ये जो आप कवर कर रहे हो अभी, ये है मेलन बटरफ्लाई, जिसको हम लोग रेनबो बटरफ्लाई के नाम से भी जानते हैं। ये वाली कौन सी है? रेनबो बटरफ्लाई। रेनबो बटरफ्लाई तो देख सकते हैं यहाँ पर, ये वीडियो में लाइव जो है बहुत अच्छे से खा रही है, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी शाई। तो इसका मतलब बहुत हेल्थी हैं और एक्टिव भी हैं, क्योंकि बटरफ्लाई फिशेस कस्टमर बहुत पसंद करते हैं उसको कलरेशन के बारे में, मतलब कलरेशन के लिए। मगर प्रॉब्लम यही हो जाता है कि कस्टमर टैंक में जाके वो खाना खाना बंद कर देता है, तो कस्टमर डर जाता है कि हम लेके जाएं फिर वो मर जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं जितना हो सके उसको फीडिंग कंडीशन में ले आके कस्टमर के पास देने का। ये भी एक डैमसेल वैराइटीज का है। तो नेक्स्ट टाइम पर डैमसेल वैराइटी क्या है ना, ये आपका मून टेल डैमसेल बोलते हैं। हाँ, कम मून द टेल जो थोड़ा मून टेल शेप है, इसलिए मून टेल शायद है ना। हाँ सर, मून टेल डैमसेल। ये भी बहुत कॉमन फिश है, इंडियन ओशन का फिश है। ये भी स्टार्टर फिश है, बहुत सस्ता में आता है। तो ये देखो अभी कलर सही से लग रहा, दिख रहा है इसके अंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव है कलर। देखिए ब्राइटनेस और थोड़ा ग्लोनेस है इसके अंदर ब्लू कलर का। तो ये वाले कौन से सर? सर ये सेल्फिन टैंग है। ये इंडियन ओशन का सेल्फिन टैंग है। सेल्फिन है सल्फिन सर? सेल्फिन टैंग। अच्छा, ये तो इसको पेयर में रख सकते हैं क्या सर? पेयर में रख सकते हैं, मगर एक टैंक में एक रहने से, क्योंकि बहुत बड़ा फिश है, आपका बायोलोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से एक रखना सही होगा। सर वही सेल्फिन टैंक अभी ये बड़ा देख रहे हो, तो छोटा टैंक के लिए भी हम लोग छोटा भी लेके आते हैं, बेबी सेल्फिन टैंक। तो बेबी सेल्फिन टैंक भी है यहाँ पर, तो ये वाला बेबीज भी है, बेबी सेल्फिन टैंक। इसमें थोड़ा कलर डिफरेंस है ना, थोड़ा डिफरेंस येलो है, ज्यादा इसके अंदर येलोनेस इसके ज्यादा है, तो कस्टमर ज्यादा इसी को पसंद करते हैं। मतलब ये बड़ा हो जाएगा तब भी डार्क फेड का हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होने से वो डार्क हो जाता है। तो दोनों भी हैं, अगर छोटी चाहिए तो भी मिल जाएगी आपको, बड़ी साइज में चाहिए तो भी मिल जाएंगी। तो प्राइस की जानकारी के लिए आप कॉल करके बात कर सकते हैं, नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो कौन सी फिश है ये? सर ब्लू ग्रीन प्रोमिस बोलते हैं इसको। हाँ, ये आपका स्टार्टर फिश है, आप डाल सकते हो, हार्डी फिश है। वाली यहाँ पर फिशेस है सर, ये डैमसेल वैराइटीज का है, ये आपका पिंक डैमसेल या रोज डैमसेल बोला जाता है इसको। हाँ, पिंक डैमसेल। ये भी स्टार्टर फिश है या? ये भी स्टार्टर फिश है, डैमसेल वैराइटीज, हार्डी फिश है। आप नया टैंक में इसको डाल के आप चेक कर सकते हो। ये भी सेम है जो लास्ट टाइम लिए थे सर, ये रेड लिंक या स्टार फिश है। तो अभी सही से आपको दिख सकते हैं यहाँ पर। इनको फीडिंग सेम फिशेस की होती है, अलग होता है इसके लिए? सर इसको इतना ज़्यादा फीडिंग का ज़रूरत नहीं है, ये भी स्कैवेंजर्स कैटेगरीज में आता है, जो भी लेफ्ट ओवर फूड है वो भी आपको मिल जाएगा। मरीन के ये लोग सेल करते हैं बहुत कम स्टोर से, तो इसलिए प्री ऑर्डर रहता है, प्री बुक रहता है, तो बहुत सारा सेल हो जाता है। तो आपको भी चाहिए तो आप आकर विजिट कर सकते हैं बैंगलोर के अंदर, जो ये भोली माओ बंदरगढ़ा के पास है, एड्रेस मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर भी मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप डिटेल्स ले सकते हो। और फिशेस आपको चाहिए तो जो आपको वैरायटी चाहिए मरीन फिशेस की, वो प्री ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हो, है ना सर? प्री ऑर्डर करने से आपको प्री ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं, मतलब उसके लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ता है अगर आपको इम्पोर्टेड फिश चाहिए, क्योंकि देखिए सर ये फिशेस जो है मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं। हाँ, ये जो अवेलेबिलिटी होता है उसी फिश को हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। और कोई इस पे मैसेज आप देना चाहते हैं व्यूअर्स को डिलीवरी के बारे में या प्राइजेस के बारे में? सर प्राइजेस आप हमको मेरे को कॉल कीजिए सर, कॉल सर पिछले वीडियो में मैं अपना नंबर डिस्क्लोज किया था, तो सर कोई कोई कस्टमर रात को 1 बजे 2 बजे भी कॉल करते रहते हैं, तो ऐसा ना कीजिए सर। हाँ, तो एक सर्टेन टाइम को कॉल कीजिए, मॉर्निंग 10 टू